गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित आवासीय कॉलोनी लोहिया इनक्लेव फेज नंबर एक में आवंटियों से अतिरिक्त धन राशि की मांग एवं रेरा के नियमों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने का आरोप लगाते हुए कॉलोनी के आवंटियों ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान आवंटियों ने GDA प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि GDA निर्धारित समय पर अपने आवंटियों को भवन उपलब्ध कराने में विफल रही है तथा रोग के मानकों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, जिसको लेकर आवंटी उच्च अधिकारियों तक अपनी बातों को रखेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आवंटी अमोद राय और राजीव पांडे ने कहा, सबसे पहले तो ये कि लोहिया आवासीय योजना फेज वन में हम लोगों को फ्लैट जो आवंटित हुए थे उसमें उन लोगों का स्पष्ट कहना था कि 2 साल के अंदर आपको बना के दे दिया जाएगा। आज लगभग 45 महीने बीत चुके हैं और अभी भी उसमें फ्लैटों का भी काम पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से सड़कें अधूरी हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है और नालियां इंटरकनेक्टेड नहीं हुई हैं। अभी तक भवनों पे भवन संख्या तक नहीं निर्दिष्ट की गई है जिससे कि प्रत्येक आवंटी जाके अपने फ्लैट का निरीक्षण कर सके। दिसंबर माह में उनके द्वारा लगभग इसीलिए क्योंकि ब्लॉक 30 तक के लोगों को दे दी गई है नोटिस और उस नोटिस के हिसाब से आपको 383,000 रुपया और मांगा गया है हम लोगों से। वो उन्होंने स्पष्ट प्रत्यक्ष कारण जो है केवल 3 वर्ग मीटर की वृद्धि बताई है, जबकि रेरा में भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि अगर आपके द्वारा क्षेत्रफल में वृद्धि की जानी है तो कम से कम 5 आवंटियों को उसकी सूचना उन्हें देनी चाहिए थी। देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने न कोई सूचना दी और 3 वर्ग मीटर की कीमत 3.5 लाख रुपये नहीं पड़ती है। GST वो चार्ज कर रहे हैं और दोबारा फ्री होल्ड चार्ज कर रहे हैं, जबकि पहला फ्री होल्ड चार्ज वो उसी समय 2015 में मई में ले चुके हैं हम लोगों से, लगभग 46-47 हज़ार उस समय भी पड़ा था फ्री होल्ड, और उतनी ही राशि या उससे 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा फिर से मांग रहे हैं इसमें फ्री होल्ड के रूप में। ये अभी हम लोगों को इसकी समझ में नहीं है, सीधे उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया, इसलिए हम लोगों ने यह योजना बनाई है कि हम लोग एक लिखित पत्र उनको देंगे, कमिश्नर महोदय को देंगे क्योंकि GDA के अध्यक्ष वही होते हैं, और उनसे 15 दिन के अंदर हम लोग कुछ बिंदुओं पे जवाब चाहते हैं, जैसे कि फ्लैटों पे सबसे पहले नंबर अंकित करवाएं। उसके बाद 2 वर्षों तक तो हम लोगों ने ये मान के लोन लिया था बैंक से कि 2 वर्षों तक ब्याज हमारा खाली जाएगा, 2 वर्षों के बाद लगभग 20 महीने का ब्याज हम लोग अतिरिक्त दे चुके हैं बैंकों को, 9.5% की दर से ब्याज लगता है, किसी का भी ब्याज 5 लाख रुपये से कम नहीं हुआ 2 साल का, इसकी क्षतिपूर्ति GDA द्वारा की जाए। उसके बाद से समय निर्धारित कर दें कि GDA की लोहिया इनक्लेव फेज़ वन कितने दिन और वो लेंगे उसको पूरा करने में, रेडी टू लीव इस कंडीशन तक पहुंचाने में कब तक का समय वो देंगे। जलापूर्ति की व्यवस्था अभी पूरी नहीं हुई है, टैंकों का काम पूरा नहीं हुआ है, वाटर सप्लाई वाला, टॉयलेट्स की सबसे ख़राब दशा टॉयलेट्स की है, दरवाज़ा खोलिए तो जो सीट जिस पर आदमी बैठता है हमें लगता है कि वो बैठ नहीं पाएगा अगर दरवाज़ा अंदर की ओर खोल दिया जाए तो। ऑयल पेंटिंग के लिए उन लोगों ने कहा था, ऑयल पेंटिंग नहीं हुई है। इसके अलावा वुडन वर्क, और कहीं वुडन वर्क नहीं दिखता है सिवाय प्लाईबोर्ड के दरवाजे के, अंदर कोई दिखता नहीं, कोई वुडन वर्क नहीं दिखता है। तो इन्हीं सभी मांगों को लेके हम लोगों ने फैसला किया है कि हम GDA उपाध्यक्ष जी से तो कल ही दे दिया जाएगा ये, और कमिश्नर साहब को भी तो कल मिलके हम लोग उनको देंगे, देखते हैं आगे उनका क्या लाइन ऑफ एक्शन होता है। फ्लैट हैं एक फ्लोर पे तो टोटल 12 फ्लैट हैं, अगर एक फ्लैट वाले को उन्होंने 3 मीटर की बढ़ोतरी दिया तो इसका मतलब कि एक ब्लॉक में उन्होंने 12 स्क्वायर मीटर की बढ़ोतरी दी। GDA किसी के नक्शे को जब एक बार बना देता है आदमी पर मकान तो गिराने चला जाता है, तुम्हारा कैसे बढ़ गया 12 स्क्वायर मीटर भाई, ये तो जानबूझ के किया गया कृत्य है, ये हमें हरेश किया जा रहा है ये, इसलिए हमारी मांग है पहले तो 383 वापस ले, और अभी भी विज्ञापन में 104.3 का वर्ग भी बेच रहे हैं गोरखपुर महोत्सव में अपने स्टॉल पे, 104 ही बता रहे, जितना हमें पहले दिखाया था वही आज भी बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं वो, और हमसे मांग रहे हैं 107 का दाम। वो तो हमारा तो पहला है कि 383 वापस लें, और हमारे मानक के अनुसार जो उन्होंने अपने विवरण पुस्तिका में दे रखा उसके हिसाब से हमारा फ्लैट हमको यथाशीघ्र दें वो।